हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रिया और मैं रहती हूँ गांव में। तो सुबह 8 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं अपने हेयर को बांध रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा लंबे, तो मैं हेयर को काफ़ी अच्छे से केयर करती हूँ क्योंकि लंबे हेयर होते हैं तो आपको अच्छे से केयर करना चाहिए, और छोटे हेयर होते हैं तो आप इजीली उसको संभाल सकते हो। तो मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा लंबे और काफ़ी ज़्यादा पतले भी हो गए क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हुए थे और बच्चा आने के बाद मेरे हेयर में बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो कोई सॉल्यूशन हो तो बताइएगा, और ऑलरेडी मेरे पास तो सॉल्यूशन है, आपको देखना है तो मुझे बोलना है कमेंट में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सो बस मैंने अपने आप को अच्छे से सुंदर किया और आईब्रो फाइल की, लिपस्टिक लगाई और फेस पर मैंने थोड़ा सा गुलाब जल लगाया। तो ये रहा मेरा छोटा मोटा सा पार्लर और ये रही मेरी क्रीम और उसके बाद ये रही मैं। तो सो बस यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। तो बस मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सजा लिया और अब मुझे बनाने हस्बैंड के लिए टिफ़िन, क्योंकि वो सुबह टिफ़िन लेकर नहीं जाते। क्या है ना, सुबह टिफ़िन लेकर जाते हैं तो खाना ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर से जो लड़कियाँ स्कूल जाती है उसके साथ हम टिफ़िन दे देते। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर की सब्ज़ी, और बस इजीली टमाटर की सब्ज़ी में हल्दी मिर्ची और नमक ही डालती हूँ, इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं डालती क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो बस इसी साथ साथ में मुझे सुबह का नाश्ता भी करना होता है, उनको संभालना होता है। तो ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं है और फिर भी मैं आपके साथ वीडियो काम अपना सारा रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं अपने आप को संभालने का टाइम नहीं निकाल पाती, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 6 बजे और मेरा सारा काम निपटा कर मैं अपने आप को भी अच्छे से सुंदर रखना प्रीफर करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर टमाटर में थोड़ा सा गुड़ डाला, क्या है ना गुड़ से हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी मीठी होती है, खट्टी मीठी, वरना टमाटर की अकेली सब्ज़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो आप इसमें गुड़ डालिएगा डालिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने छोटा गैस जलाया, उस पर मैंने टमाटर की सब्ज़ी रखी और दूसरी गैस पर मैंने आयरन का तवा रख दिया क्योंकि मैं रोटली आयरन का तवे में ही बनाती, मैं नॉनस्टिक की तवे में नहीं बनाती क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा सुबह गूंद कर रख लिया था और बस यहाँ पर मैं अपने आटे की रोटियाँ बनाऊँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं लोहे बनाकर रख देती हूँ क्योंकि हमें रोटियाँ बेलने में इजी रहे, सो इसीलिए मैं सबसे पहले जितना हो सके इतना काम एकदम से आसान कर देती हूँ, और सुबह उठते जितना बने उतना मैं सुबह काम कर लेती हूँ तो मुझे दिन में आराम मिले। तो बस इसीलिए मैं अपने आप को भी सुंदर रखती हूँ और मेरे पार्लर को, मेरे घर के, मेरे बच्चे को, सबको अच्छे से स्वस्थ एंड सुंदर रखना पसंद करती हूँ और हमारी स्किन, हमारा शरीर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे इसीलिए। तो आप समझ सकते हो इतना भी आसान नहीं है अकेले सब कुछ करना। तो बस फिर भी मैं इतना सब कुछ सहती हूँ और अकेले ये सारा काम करना पड़ता है, तो बस रहता है, हम हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ होकर क्या हमें सब कुछ करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को भी अच्छे से संभालो, घर को संभालो और आपसे हो सके इतना ही करो। इतना भी नहीं है आप पर सब सारा बोझ डाल दे, आप अपने भी सुंदर रखना पसंद करना चाहिए। और यहाँ पर एकदम से मैं भागी क्योंकि बच्चा गिर गया था तो उसको मुझे लेना था, और एकदम से वो रोने लगा और उसको चोट भी आई है, मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे टिफ़िन देना था और मेरे भागम दौड़ी में मेरे बच्चे को भी चोट लग गई थी। तो बस मैं ये आपको आज दिखाऊंगी, नहीं मैं कल दिखाऊंगी क्योंकि कल के वीडियो में क्या है ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और ऐसे में मुझे वीडियो शूट करना पसंद नहीं, और मेरे बच्चे के ऊपर तो ऐसा कुछ है तो मुझे इस टाइम मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसको दिखाना एक जरूरी बात नहीं है। और आप सब तो लोग सवाल उठाएंगे, चलो इसके बच्चे को ये हुआ तो उसने ये भी दिखा दिया, उसको कुछ शर्म भी नहीं है, तो आपको मुझे पहुंचना मेरे लिए बस की बात नहीं है, तो बस मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। तो बस बातें बातें में यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब मेरा टिफ़िन भी मैं रेडी कर देती हूँ, और टिफ़िन में मैं रोटियाँ रखूँगी, टमाटर की सब्ज़ी और साथ में थोड़ा सा गुड़ रखूँगी, क्या है ना उसको गुड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मेरा टिफ़िन इसी बातें बातें में मेरा रेडी हो गया। तो ये मेरी रोज 8 बजे की मेरी रूटीन थी, तो 8 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो मैं इजीली अपना और भी काम कर सकती हूँ।
तो बस ये मेरे लिए क्या है ना, आप जल्दी सुबह उठोगे तो आपका काम इजीली 7:30-8 के आसपास आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं उसके लिए हिसाब से तो सबसे ज़्यादा सुबह जल्दी उठना पसंद करती हूँ, तो यही मेरे लिए खास बात है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी और उसको मैंने अच्छे से पैकिंग करके टिफ़िन में डाल दिया, तो सोचा लिए अब मैं मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी अब पॉलीथीन लाए, इसमें भरकर मम्मी को दे दूँगी, तो मम्मी बाहर किसी लड़के के साथ दे देंगे। तो सो बस यहाँ पर मेरा जो मसाले का डब्बा था, मैं कुछ इसी तरह से यहाँ पर रखती हूँ। जितना आप अच्छे से सजा कर घर को रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस आपको मेरे छोटे मोटे किचन का होम टूर देखना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिए, तो मुझे दिखाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कोई कमेंट नहीं करते तो मुझे पसंद नहीं आता। तो सो बस यहाँ पर दोपहर का टाइम था और हमने हमारे लिए चने की सब्जी बनाई थी। और यहाँ पर बाबू भी देखो दो पचाए पर उसको खाने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल, और यह अब तो चलना सीखा तो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ कर ही रहा है। तो सो बस यहाँ पर मैं उसको खाने के लिए लेकर आई थी, बस खाना तो उसको है ही नहीं, उसको तो बस उनका जो खिलौना है उसके साथ उसे खेलने के लिए रख दो तो बस खेला ही करेगा, उसको खाने का कुछ भी मन नहीं होता, उसको बाहर का चटर पटर करना होता है तो वो मैं नहीं देती। और यहाँ पर अकेला चावल खा रहा है, इसके साथ सब्जी भी नहीं, ओनली अकेला चावल। तो सो मैंने सोचा चल अकेला चावल भी वो खा रहा है ना, उससे तो उसका पेट भरेगा, तो बस मैं वही उसको खिलाती हूँ। कभी कभार तो ओट्स भी खिलाती हूँ। और मेरे जो 12 मंथ का बेबी है, अभी उसका बर्थडे भी आने वाला है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर, तो उसकी पूरी रूटीन देखना चाहती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा 12 मंथ बेबी रूटीन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मेरा नॉर्मल अभी उसका रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे अब सर्दी भी हो चुकी है तो वॉइस ओवर वो भी आपको आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी, तो सुबह उसे इग्नोर करिएगा। और उसको भी मैंने खिलाया, मैंने भी खाया। और क्या नाम, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं क्योंकि घर का काम होता है, बच्चे को संभालना, यूट्यूब, साथ में पार्लर, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो बस मुझसे हो सके उतना ही मैं करना पसंद करती हूँ। तो सो चलिए अब उसको भी खिलाना पिलाना हो गया, अब मैं खा लेती हूँ वरना मेरी भी कुछ हालत ऐसी वैसी ही है। तो बस यहाँ पर मैं खाने के लिए बैठ गई। तो सो बस अब आपको मेरे कुछ पार्लर के रिलेटिव भी वीडियो आपको देखना पसंद है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी लड़कियाँ होती है, नवरात्रि आ रही है तो उसको भी ये सब कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सो मैं थोड़ा थोड़ा वो भी अपलोड करती रहूँगी। तो बस यहाँ पर मैं भी खा रही, मम्मी भी खा रही है, और उसके बाद मुझे घर का सारा काम भी करना है। तो यहाँ पर मेरा खाना हुआ ख़त्म। और देखो ये पूरे जो मैंने घर में से जितना कचरा बाहर लेकर आया इसमें ही आकर बैठ गया है, अब मैं उसका क्या करूँ पता नहीं है। चलो अब मेरा किचन को अच्छे से साफ करना है, क्योंकि किचन को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही अच्छी बात है, क्या है ना। तो सुबह भी मैं साफ़ करती हूँ, शाम के टाइम भी मैं साफ़ करती हूँ, और दोपहर खाने के बाद भी मैं उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्या है ना, मेरा छोटा सा किचन है, बहुत ही बड़ा तो है ही नहीं, तो उसको साफ तो रखना ही पड़ेगा ना। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपने किचन को साफ रखती हूँ, गंदा हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है ना, कीड़ी मकोड़ा आता है इसीलिए। तो सुबह मैं यहाँ पर बच्चे को नहला धुला कर लाई, और अपने अब मैं उसको इनके हेयर में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, क्या है ना अब उसके हेयर काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए तो उसके हेयर को भी अच्छे से हमें रखना चाहिए, वरना क्या है ना थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो तो आप समझ सकते हो। तो उसके सामने मैंने कितने ज़्यादा खिलौना ये सब कुछ रखा है, तब तो ये मुझे इनके हेयर को अच्छे से बांधने देगा चोटी ये सब कुछ, वरना वो तो ऐसे वैसे चले जाता है। तो आप देख सकते हो अब मैंने उसको 2:30 बजे मैंने उसको नहलाया, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं रहता नहलाने का, तो मैं उसको दोपहर में नहलाती हूँ और फिर उसको मैं सुला देती हूँ झूले में अच्छे से घिचोड़ कर, तो सो जाता है। तो बस अब यहाँ पर मैंने उसको चोटी भी बांधी, चोटी बांधने में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे करता है,
तो बस कैसा लग रहा है मेरा छोटू, मुझे बताया। तो सो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिएगा। और वीडियो में आप नए जुड़ रहे तो वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ अच्छा सा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी कुछ नहीं, और आपको पता है बीबी को यहाँ काला टीका क्यों किया जाता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो करती ही रहती हूँ पर क्यों करा जाता है वो तो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा पता है पर आप मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सो चलो अब उसका झूला मैं तैयार करती हूँ और फिर मैं उसको झूले में सुला देती हूँ। तो आप देख सकते यहाँ से वहाँ कर रहा है ना, उसको थोड़ी सी झपनी है। अब मैं उसको इसमें डालकर अच्छे से निचोड़ दूँगी तो खींचेगा और सो जाएगा। तो बस अब उसको मैं इसी तरह से सुलाती हूँ। तो कैसा रहा मेरा ये रूटीन, सो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड वीडियो को सपोर्ट करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के।